हमारा सूर्य जो अपनी जिंदगी के 5 अरब साल पूरे करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य में जितना ईंधन है उसे खत्म होने में अभी 5.5 अरब साल और लगेंगे। शायद ये बात आपको पता हो, लेकिन क्या आप जानना चाहेंगे कि जब हमारा सूर्य खत्म होने के करीब होगा तो इसका बाकी के सौरमंडल पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि सूर्य की भूमिका हमारे सौरमंडल में सबसे अहम है। और यह जानना बेहद दिलचस्प होगा कि सूर्य के खत्म होने पर कौन सी घटनाएं घटेगी और उनका बाकी के सौरमंडल पर क्या असर पड़ेगा। यह बताना तो मुश्किल है कि उसे वक्त हम कहां होंगे, लेकिन उसे दौरान हो रही घटनाओं की भविष्यवाणियां हम आज मौजूद वैज्ञानिक डेटा से कर सकते हैं। चलिए जानते हैं उसे वक्त क्या होगा। लगभग 5.5 अरब साल बाद ईंधन की खत्म होने पर सूर्य जब अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर पहुंचेगा तो वह आज की तुलना में कहीं ज्यादा चमकीला हो जाएगा। इसके साथ ही वह अपने आकार को भी कई गुना बढ़ा लेगा। एक बार जब सूर्य का सारा फ्यूल खत्म हो जाएगा तो वह अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में प्रवेश करेगा, जिसे लाल दानव कहा जाएगा। इसका आकार इतना बढ़ जाएगा कि यह धरती को अपनी आगोश में ले लेगा, जहां पहुंचकर इसका तापमान 2 से 3 हजार डिग्री तक होगा। हालांकि यह तापमान आज के सूर्य के मुकाबले काफी कम है, लेकिन यह तापमान धरती पर सब कुछ जलकर राख कर देगा। जिस तरह से हमारी सूर्य का अंत होगा, उस तरह से ब्रह्मांड में मौजूद हर तारा खत्म नहीं होता कि उनका अंत हमारे तारे की तरह हो। जब इनका ईंधन खत्म हो जाता है तो वह धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ब्लू और व्हाइट जॉइंट प्रकार के तारे इतने बड़े होते हैं, अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर आते आते अपने केंद्र को लोहे में परिवर्तित कर लेते हैं, जिसकी बात भी सुपरनोवा बन जाते हैं। जब हमारा सूर्य अपनी आखिरी वक्त पर आकर फ्यूल के खत्म होने से आज के मुकाबले कई गुना ज्यादा फैलेगा, तो ऐसा नहीं है कि धरती उसी ऑर्बिट यानी धरी पर टिकी रहेंगी, बल्कि सूर्य के फैलने से धरती और बाकी दूसरे प्लैनेट्स के ग्रेविटेशनल पुल्स कमजोर पड़ जाएंगे, जिसे वे सूर्य से विपरीत दिशा में खिसकने लगेंगे। लेकिन इनका यह दूर खिसकना भी इन्हें बचा नहीं सकेगा। सूर्य की सबसे करीब मौजूद बुध और शुक्र ग्रह सूर्य की चपेट में आकर पिघल जाएंगे, वहीं धरती जलकर खाक हो जाएगी। हमारे सूर्य का अंत तो हो जाएगा, लेकिन ही अंत इसे पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाएगा। हमारा सूर्य कई गुना फैल कर फिर सिकुड़ जाएगा और एक व्हाइट ड्वार्फ यानी सफेद बोने तारे में बदल जाएगा, जिसका आकार हमारी धरती के जितना होगा। वही इसमें आज की सूर्य की मुकाबला बहुत कम ऊर्जा बचेगी, लेकिन कम ऊर्जा होने के बाद भी इसका जीवन एक सफेद बने तरीके तौर पर अगले कई अरबों सालों तक चलेगा, जब तक कि वह जलकर एक काबोने योनी ब्लैक ड्वार्फ में नहीं बदल जाता। लेकिन ऐसा कब होगा, इसकी भविष्यवाणी वैज्ञानिक नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी ब्रह्मांड की उम्र एक तारे को किसी ब्लैक ड्वार्फ में बदलने के लिए काफी कम है। सूर्य के खत्म होने पर धरती पर भी जीवन खत्म हो जाएगा, पर क्या यह घटना हमारे सौरमंडल में जीवन का सफाया पूरी तरह से कर पाएगी? जवाब है नहीं। सूर्य की लाल दानव बन जाने से सौरमंडल के दूसरे स्थान पर जीवन विकसित होने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाएगी। जुपिटर और शनि ग्रह के कई चंद्रमा पर उस वक्त ठीक ऐसे ही हालात होंगे जैसी आज धरती पर हैं। यूरोपा और उसके जैसे कई चंद्रमा पर अभी बर्फ जमी हुई है, जो कि फिलहाल तो जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन जैसे ही सूर्य लाल दानव बनाकर खुद के आकार को फैलाएगा, तो संभावना है कि यूरोपा जैसे चंद्रमा पर गर्मी बढ़ जाएगी और उसे समय जाकर हमारे सोलर सिस्टम के यह चंद्रमा जीवन पनपना के लिए एकदम सटीक होंगे। हमारे सूर्य जब लाल दानव बनेगा तो केवल यही घटना ब्रह्मांड में ऐतिहासिक मोड़ पर नहीं होगी, बल्कि वैज्ञानिकों के अनुसार उस समय दो बड़ी गैलेक्सी आपस में टकराएगी। हमारी मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ रही है, जिनका एक दिन आपस में टकराना तय है। वैज्ञानिकों के अनुसार इनके टकराने का समय हमारी सूर्य के लाल दानव बनने के आसपास ही आएगा। वैसे दो बड़ी गैलेक्सी का आपस में यूं टकराना सुनने में बेहद खतरनाक लग सकता है, लेकिन इनके टकराने से इनमें मौजूद तारों के आपस में टकराने की संभावना लगभग ना के बराबर है। भले ही एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे मौजूद हो, लेकिन इनके बीच का फासला इतना ज्यादा है कि दो गैलेक्सी की आपस में मर्ज होने पर भी इनका टकराना नामुमकिन सी बात है। लेकिन इनके टकराने पर इनमें मौजूद गैसों की आपस में घर्षण से भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होगी और यही गैसों का घर्षण नई तारों को भी जन्म देगा।